पितृ मान जाएंगे तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, हमारे पितृ, हमारे माता पिता और उनके माता पिता जो हमें आशीर्वाद दिया करते हैं, वही आशीर्वाद है, वह दैवीय आशीर्वाद जो हमें स्वयं भगवान से मिला करता है, वैसा ही आशीर्वाद हमें हमारे पितृ दिया करते हैं। यदि आपको अब तक यह नहीं पता था कि पितृ ही हैं जिनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में आ रही सुख, शांति, समृद्धि और जिस भी प्रकार के हमारे सारे ग्रह बैठे हैं, वह सभी निर्भर करते हैं पितृशक्ति, पितरों के आशीर्वाद के ऊपर। और अगर आपको इस बारे में अब तक जानकारी नहीं थी तो आप ही के लिए है यह वीडियो, क्योंकि पितरों को सुख देना, पितरों को शांति देना, पितरों का तर्पण ही बताया गया है कि हर प्रकार के जितने भी हमारे रूठे हुए ग्रह हैं उनको मना लेने के लिए सर्वप्रथम यदि कोई उपाय बताया जाता है तो पितरों के लिए बताया जाता है, क्योंकि हमारी कुंडली में सबसे विशेष जो भी हमारा अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं वो किस प्रकार बैठे हैं यह निर्भर होता है सूर्य और चंद्र के द्वारा। तो सूर्य कौन है हमारी जन्मपत्री में? सूर्य हैं हमारे पिता और चंद्र हैं हमारी माता। मित्रों, सूर्य और चंद्र यानी दिन और रात सुधर गए तो समझ लीजिए कि इसके अलावा तो कुछ सुधारने के लिए बचा ही नहीं। और भगवान की कृपा से यदि आपके माता पिता आपके आशीर्वाद देने के लिए आपके पास मौजूद हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। परंतु फिर भी पितरों के लिए यानी कि माता पिता के पिता के लिए, उनके पितरों के लिए आप क्या शांति के लिए उनकी किया करते हैं, यह भी बहुत आवश्यक है। तो इसी बारे में है यह वीडियो कि पितरों की शांति के लिए और पितरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से पाने वाले सुखों के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए। जी हाँ, पितरों की शांति के लिए कहा जाता है कि हर अमावस के दिन हमें अपने पितरों के लिए एक थाली निकालनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी बारे में है, इसी पर समर्पित है कि पितरों की शांति के लिए हमें करना क्या चाहिए। यदि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने पितरों से, अपने देवों से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से। और इसी प्रकार की माफ़ी मांगते हुए ही हमें अपने कार्य को शुरू करना है कि किस प्रकार से हमें पितरों के लिए थाली तैयार करनी है। हर अमावस के दिन हमें मंदिर में एक थाली देकर आनी चाहिए। और इस थाली के अंदर क्या सामग्री होनी चाहिए? थाली के अंदर सबसे पहले तो यदि हम पक्के खाने की थाली देने जा रहे हैं तो हमें 6 पूड़ी और 7 कचौड़ियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कि या तो 7 पूड़ी हों 7 कचौड़ी हों या फिर इनकी संख्या कुल मिलाकर 11 हो जाए। इसके अलावा खीर, दूसरा 2 प्रकार की सब्जियाँ और 1 फल, रायता, दही से बना हुआ रायता, चाहे वह किसी भी चीज़ का हो, बूंदी का हो या लौकी का हो या खीरे का हो, जैसा मौसम हो उस प्रकार का आप रायता भी तैयार करें। साथ ही साथ एक सबसे विशेष चीज़, आपको जो कद्दूकस की हुई मूली होती है उसको विशेष तौर से इस थाली के अंदर रख देना चाहिए। और साथ ही साथ रखनी चाहिए इस थाली के अंदर वह डिश, वह पकवान, वह व्यंजन जो आपके पितरों को पसंद था, आपके दादाजी या उनके पिताजी जिनको आप पितर मान रहे हैं उनको क्या चीज़ सर्वश्रेष्ठ पसंद थी, वह भी आपको इस थाली में रखकर 11-21 यथाशक्ति जो भी आप पंडित जी को दान करना चाहें वह थाली आपको मंदिर पर देकर आनी चाहिए। और ऐसा हर अमावस पर करना चाहिए। और ख़ास तौर से शारदीय जो श्राद्ध आते हैं, हमारे दिवाली से पहले जो श्राद्ध आया करते हैं पूरे साल के अंदर, जिन 15 दिनों के अंदर हम कहा करते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक नवरात्रों से पहले वाले श्राद्ध, शारदीय जो भी हमारे 15 दिन होते हैं उन दिनों के अंदर तिथि में भी हमें यह करना चाहिए। साथ ही साथ उसकी भी अमावस्या, श्राद्धों की अमावस पर भी यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं पता वह अमावस के दिन ही निकालते हैं, तो साल में आने वाली 12 की 12 अमावस के दिन तो हमें करना ही है। साथ ही साथ पितरों की जिस तिथि के दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस दिन वो इस धरती को छोड़कर गए, उस तिथि पर भी करना चाहिए श्राद्धों में। और साथ ही साथ अमावस पर तो 12 की 12 करना ही चाहिए। बस मित्रों, इतना ही कर लें और इस थाली को अवश्य देकर आएँ अमावस्या के दिन। और साथ ही साथ यदि आप करना चाहें दान हमारे चैनल भविष्य नक्षत्र पर और भूल गए हों तो हमें व्हाट्सएप पर बताएं ताकि हम इस दान को आपके द्वारा करवा पाएँ। साथ में QR कोड आप देख रहे हैं, हमें इस QR कोड पर आप जो भी दान राशि डालें उसके बारे में व्हाट्सएप पर बता दें। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है कि आपने इस कार्य के हेतु यह धनराशि डाली है और हम आपके लिए, आपके पितरों के लिए, आपके पितरों की शांति के लिए हो रही अमावस की पूजा के दिन या एकादशी की पूजा के दिन आपके नाम से भी पूजा करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप यह काम अवश्य कर लें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बांटें इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में, अपने Facebook ग्रुप में, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इस वीडियो को, क्योंकि घर के अंदर शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, और जिनका सुख आप चाहते हैं उनको यह वीडियो अवश्य भेज दें। अच्छा लगा हो यह वीडियो तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल भविष्य नक्षत्र को, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के उपाय हम पहले से ही दे दिया करते हैं कि वो समस्या आए ही नहीं, और यदि आएँ तो उनके उपचार, उनके समाधान हमारे पास हैं। व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। लगातार बने रहें हमारे चैनल भविष्य नक्षत्र पर। आज के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।